गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस चैप्टर 3 एंड दैट इज द चैप्टर 1st ऑफ केमिस्ट्री, अ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। लास्ट डे इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार हम उन सबको देख लें। मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सिंबल्स, फार्मूले, एटॉमिसिटी, बैलेंसी, राइटिंग फार्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इतने सारे चीजों को हमने इस चैप्टर में सीखा। व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास। ऐसा चीज जो जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं। और ये मैटर जो है टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। देखें, ये बात हमें इंडियन सेज कनाद और ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी यही बात बताई कि मैटर, ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आप यहाँ देख रहे हैं, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम। इन सारे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, एलिमेंट किसे कहते हैं? सबस्टांस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है द सिंपलेस्ट सबस्टांस होता है, और इसका द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। और एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, और ये एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला जो है नहीं रह सकता। जनरली एटम्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। 118 एलिमेंट्स जो है नोन है, और जिसमें कि 92 एलिमेंट्स नेचुरली पाया जाता है, और बाकी एलिमेंट्स जो है साइंटिस्ट्स ने लेबोरेटरी में बनाया है। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड इज अ सबस्टांस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। देख लें, टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। एंड कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए, वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चूंकि ये दो एलिमेंट से बना है वाटर, इसलिए ये क्या है? इट इज अ कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर एंड देयर इज नो केमिकल चेंज बिटवीन देम, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। यानी मिक्सचर भी दो एलिमेंट या कंपाउंड के मिलाने से बनता है, बट इनमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। यानी किसी भी रेशियो में मिला दें तो ये मिक्सचर बन जाता है, जबकि कंपाउंड बनाने में एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किया जाता है और उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, बट मिक्सचर बनने में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और मिक्सचर के क्या डिफरेंसेज है? डिफरेंसेज बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड में बनने में केमिकल चेंज होता है, मिक्सचर में केमिकल चेंज नहीं होता है। कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट का रेशियो फिक्स्ड होता है, मिक्सचर में रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। टेबल नंबर 3.1 देखिए, पेज नंबर 28 में टेबल नंबर 3.1 देखिए, यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है कंपाउंड एंड मिक्सचर का, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट है उनको सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब देखें ये सिंबल क्या है, तो जैसा कि आपने जाना कि दे आर 118 एलिमेंट्स और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर, इन सब को लिखना स्टडी के दौरान बार बार लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो काम में आसानी के लिए स्टडी में आसानी के लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है अर्ली साइंटिस्ट एंड अल्केमिस्ट ने पिक्चर सिंबल का यूज किया। यहाँ पे सबसे पहले डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स का पिक्टोरियल सिंबल जो है यूज किया, यहाँ दिया हुआ है डाल्टन ने किस प्रकार से कॉमन साल्ट का क्या सिंबल दिया, कॉपर का देखिए क्या है, आयरन का क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर नंबर 3.3 में। लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट्स का कंपाउंड का ये सिंबल है दिया हुआ, लेकिन इनका भी इस्तेमाल, पिक्चर सिंबल का भी इस्तेमाल बहुत सुविधाजनक नहीं था, इसलिए बाद के दिनों में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का इस्तेमाल कर करके सिंबल यूज करने का सजेस्ट किया। और अब हम लोग यहाँ देखें टेबल नंबर 3.3 में एलिमेंट्स का सिंबल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उनके नाम के पहला और दूसरा लेटर या ग्रीक लैटिन नाम का पहला लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से ये सिंबल हमारे काम को, हमारे स्टडी को काफ़ी आसान कर देता है। टेबल नंबर 3.2 में आप लोग देखें। अब ये फार्मूली क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जहाँ सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, वेयर फार्मूली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। फार्मूली से कंपाउंड या एलिमेंट के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे वाटर का देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है फार्मूला H2O, तो वाटर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो इन दोनों के सिंबल का इस्तेमाल कर करके ये वाटर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज फार्मूला ऑफ वाटर। फिगर टेबल नंबर 3.3 में यहाँ कुछ कंपाउंड्स और उसके फार्मूला दिए हुए हैं, इसको आप लोग राइट एंड रिमेम्बर कर लेंगे, पिछली बार भी हमने कहा था इसको कर लेंगे आप। एटॉमिसिटी देखें, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है किसी के एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, इसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। कोई एलिमेंट मोनो एटॉमिक हो सकता है, कोई डाई एटॉमिक हो सकता है, तो ये हुआ एटॉमिसिटी। इसके बाद हम लोग जाने वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी इज एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप डिनोट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। राइटिंग फार्मूला, कैसे फार्मूला राइट किया जाता है? तो किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नाम जानना जरूरी है। सबसे पहले उस एलिमेंट का नाम जानते हैं और इसके सिंबल्स हम लोग लिख डालते हैं, और उसके ऊपर हम लोग उसकी वैलेंसीज को, एलिमेंट के वैलेंसीज को लिख देते हैं, और इसके बाद इन दोनों वैलेंसीज को इंटरचेंज, थर्ड स्टेप में इंटरचेंज कर देते हैं, और इस तरह से हमारा ये फार्मूला तैयार हो जाता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन शोज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड फार्मूले। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिकल यहाँ पर देखें, केमिकल ये इक्वेशन है, और केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एलिमेंट्स के एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर नहीं है तो इसको हम लोग को बैलेंस कर लेना चाहिए, तभी ये सही इक्वेशन माना जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर चुके। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब खुद से बनाने का प्रयास करें। इट्स ओके, थैंक यू।